भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार राकेश मिश्रा अब अभिनेता से नेता बनने जा रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि जिस तरीके से पिछले साल दिनेश लादम निरहुआ ने आजमगढ़ से चुनाव लड़ा था, ठीक उसी तरीके से अब राकेश मिश्रा भी शाहपुर विधानसभा से विधायकी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी हां, इसके लगे उन्होंने नामांकन पत्र दाखिला कर लिया है और अब उम्मीद जताई जा रही है कि भोजपुरी के बड़े बड़े कलाकार, एक्ट्रेस और अभिनेत्री दोनों ही प्रचार प्रसार करते हुए नजर आने वाले हैं। तो ऐसे में अब खबर आ रही है कि भोजपुरी फिल्मों की हॉट अदाकारा अक्षरा सिंह, जी हां अक्षरा सिंह चुनाव प्रचार करते हुए राकेश मिश्रा के साथ शाहपुर विधानसभा के गलियों में नजर आने वाले हैं। जी हां, राकेश मिश्रा और अक्षरा सिंह ने कई सारी फिल्में एक साथ किया है और सारी की सारी फिल्में भोजपुरिया बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट का डंका बजा चुकी है। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि राकेश मिश्रा के साथ अक्षरा सिंह शाहपुर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले गांव में गली गली वोट मांगते हुए अक्षरा सिंह राकेश मिश्रा के लिए मिलते हुए नजर आने वाले हैं, यानी कि राकेश मिश्रा के लिए वोट मांगने वाले हैं। हालांकि आपको बता दें कि अभी तक राकेश मिश्रा या फिर अक्षरा सिंह की टीम की तरफ से कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया गया है कि अक्षरा सिंह कब वोट मांगने आने वाले हैं। वैसे लेकिन सूत्रों से हवाले से खबर आ रही है कि करीब 22 तारीख के बाद अक्षरा सिंह राकेश मिश्रा के साथ शाहपुर विधानसभा के गलियों में वोट मांगने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि क्या अक्षरा सिंह राकेश मिश्रा के लिए वोट मांगेंगे या फिर नहीं मांगेंगे। लेकिन इस समय राकेश मिश्रा बड़े ही जोर शोर से चुनावी प्रचार करते हुए नजर आने वाले हैं, करते हुए दिख रहे हैं और साथ ही साथ वो अपने रैली को सोशल मीडिया पर लाइव करते हैं और साथ ही साथ फोटोग्राफ अपने सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे भोजपुरिया दर्शक काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या राकेश मिश्रा चुनाव जीत पाएंगे या फिर नहीं जीत पाएंगे, यह तो चुनाव नतीजे आने के बाद ही पता चल पाएगा। भोजपुरी गॉसिप से राव शर्मा की रिपोर्ट। भोजपुरी की चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भोजपुरी गॉसिप्स।